स्वागत है आप लोगों का हमारा चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों के लिए ले आया हूं एक महत्वपूर्ण खबर। तो आज पीएम मोदी की तरफ से देश को मिलेगा एक बहुत ही अनोखा गिफ्ट। तो अनोखा गिफ्ट क्या है, जाने इस वीडियो में पूरा खबर। साल 2021 आने वाला है। नए साल के मौके पर पीएम मोदी नया स्वागत देने वाला है। अभी से कुछ घंटों के बाद देश में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री मोदी हरे झंडे दिखाएंगे। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये सेवा दिल्ली मेट्रो की एमेजेंटा लाइन पर शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबाई मैजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बैटनीकन गार्डन तक बिना ड्राइवर के चलेंगे। बिना ड्राइवर वाली ट्रेन के शुरू होते ही DMRC दुनिया के उन 7 मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगा जहां बिना ड्राइवर वाला ट्रेन चलाई जा रही है। इसके बाद 2021 में 57 किलोमीटर लंबाई पेन क्लाइम जो मजलिस पार बिहार पर चलती है, उस रूट पर भी बिना ड्राइवर ट्रेन चलने शुरू हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली मेट्रो के लगभग 94 किलोमीटर लंबी नेटवर्क पर बिना ड्राइवर वाली ट्रेन चलने लग जाएगा। तो विश्व के बिना ड्राइवर वाली मेट्रो नेटवर्क का लगभग 9% होगा। बिना ड्राइवर वाला ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित होगा। इसके अलावा पीएम मोदी एयरपोर्ट एक्सपोस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलेट कार्ड सेवा की शुरुआत भी करेंगे। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कार्ड के इस्तेमाल से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर परियात्रा कर सकता है। पीएमओ के अनुसार यहां सुविधा 2022 तक दिल्ली मेट्रो पर पूरे नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगा। बीते 6 सालों में पूरे देश में मेट्रो रेलवे बहुत बदलाव हुआ है। 2014 में 5 शहरों में केवल 248 तक मेट्रो लाइनें चालू था। इस समय भारत के 18 शहरों में 702 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो चुका है। आने वाले समय में 1000 किलोमीटर से और भी अधिक लाइनें जुड़ेंगे और देश के लगभग सभी शहरों में मेट्रो का नेटवर्क हो जाएगा पूरी तरह से। तो यही था जानकारी देना आप लोगों को। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे जानकारी आपको मिलते रहेगा।